लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जायरोस्कोपिक कपल का जो इफेक्ट था, वो पढ़ा था किसके ऊपर, अपना प्लेन्स के ऊपर। उससे पहले हमने पढ़ा था रोटर के ऊपर। अभी हम पढ़ेंगे क्या इफेक्ट पड़ेगा अपना शिप पे, क्योंकि शिप के अंदर भी क्या होता है, रोटर होता है, और रोटर रोटेट करता रहता है उसके अंदर। तो कहाँ होगा भाई रोटर, देखिए ये हमारा लेते हैं, देखिए ये इसका एक्सिस है और ये रोटर है यहाँ पे, जो इसमें रोटेट करता है, जिसके कारण शिप आगे या पीछे होती है। ओके, अभी क्या है कि शिप के अंदर भी क्या प्लेन की तरह ये भी ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव करता है, तो ये रोटर भी मूव करेगा। तो रोटर की एक्स ये जो कोई एक्सिस होगी, जैसे ये मान लीजिए अपना इधर रोटर लगा है, तो क्या होगा, या तो ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा या इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास क्या इफेक्ट जनरेट होगा, ये है, ये शाफ्ट क्या होगी किसी और एक्सिस, या तो इस एक्सिस या इस एक्सिस के अबाउट क्या होगी, रोटेट होगी। तो हमारा क्या आएगा, एक जायरोस्कोपिक इफेक्ट या जायरोस्कोपिक कपल जनरेट होगा यहाँ पर भी, जैसे प्लेन में हुआ था। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी। ओके, तो पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं। ये शिप है, तो शिप का जो आगे वाला पार्ट होता है उसको बो बोलते हैं, या फोर एंड भी बोल देते हैं, और जो शिप का पीछे वाला पार्ट होता है उसको स्टर्न बोल देते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ें डायरेक्ट बोल देंगे स्टर्न। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टर्न कौन सा साइड है अपनी, तो ये पीछे वाली साइड को स्टर्न बोलते हैं। ओके, इस तरह से राइट हैंड साइड को स्टारबोर्ड बोल देते हैं, एंड लेफ्ट हैंड साइड को इसको पोर्ट बोल देते हैं। ओके, बाकी फ्रंट व्यू बैक व्यू वो बेसिक चीजें हैं। ओके, तो अब इसमें कौन कौन सी मूवमेंट होती है वो देखिए। देखिए शिप है, शिप में तीन मूवमेंट होती है, प्लेन में भी ये तीन मूवमेंट होती है। कौन कौन सी, स्टीयरिंग, पिचिंग एंड रोलिंग। क्या है ये, देखिए सबसे पहले स्टीयरिंग। स्टीयरिंग तो बेसिक है अपना, इसको ये लेफ्ट साइड में स्टीयर करती है या राइट साइड में स्टीयर करती है, मतलब घुमा दी। पिचिंग मतलब इस एक्सिस के अबाउट ही इस तरह से मूव करी, तो इसको बोलते हैं हम पिचिंग। किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, ये पिचिंग हो गई इस तरह से। अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट की तो स्टीयरिंग, या इधर जाएगी या इधर जाएगी, या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी। और ये इस एक्सिस के अबाउट की, ओके, थर्ड एक्सिस के अबाउट, तो ये रोल हो जाएगी इस तरह से, इस तरह से। ओके, तो ये कहलाएगी रोलिंग। तो इसमें तीन इफेक्ट, तीन तरह की मूवमेंट हो सकती है, स्टीयरिंग, पिचिंग एंड रोलिंग। ओके, तो ये बेसिक पता होना चाहिए कि क्या क्या बोलते हैं उनको। तो ये तीन तरह की है मूवमेंट हो सकती है। ओके, अब इसके भी उसी तरह से प्रॉब्लम्स होती हैं कि जायरोस्कोपिक कपल किधर जनरेट होगा, एक्टिव कपल, रिएक्टिव कपल, वो ही हमें देखना है। तो सारी चीज़ें हुई हैं, इसके हम प्रॉब्लम्स ले सकते हैं डायरेक्ट, वैसे बाकी इसमें कुछ है नहीं, सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। ठीक है, तो इसमें वही सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा एक ये देख लेते हैं। जैसे स्टेयरिंग इज
टर्निंग ऑफ ए कंप्लीट शिप कर्व लेफ्ट टू राइट व्हाइल इट फॉरवर्ड मूव्स, मतलब जब आगे की तरफ घूमते हैं घुमाते हैं तो स्टेयरिंग करते हैं, उसको स्टेयरिंग बता रहा है। तो वही सारी चीज़ें, इसमें कुछ अलग बात है नहीं वैसे जो मैंने आपको बताई है, वही सारी चीज़ें हैं। इसका कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं पहले, इसका अपना एरोप्लेन का। तो देखो, एन एरोप्लेन मेक्स ए कंप्लीट हाफ साइकिल ऑफ 50 मीटर रेडियस, 50 मीटर रेडियस की हाफ साइकिल बनाता है टुवर्ड्स लेफ्ट लेफ्ट साइड में वाइल फ्लाइंग 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास देखो ये इस तरह की रेडियस, ये इस तरह से घूम के जा रहा है प्लेन। ओके, ये रेडियस है, कितनी रेडियस आ रहे कोई, ठीक है, इसकी वेलोसिटी है, ये है वी। ओके, तो देखो आर गिवन है, इसकी वेलोसिटी गिवन है, किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में फाइंड कर ली। इसका मास गिवन है 400 kg, रेडियस ऑफ गायरेशन गिवन है के, एन है आरपीएम गिवन है, ठीक है। पूछा क्या है इसके अंदर, मेन है फाइंड द गायरोस्कोपिक कपल। तो गायरोस्कोपिक कपल क्या होता है, आई ओमेगा, आई क्या है एम के स्क्वायर, मास को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडिएशन ऑफ गायरेशन के स्क्वायर से, तो हमारे पास आई आ गया। ओमेगा हमारे पास डायरेक्ट गिवन नहीं है, एन गिवन है, तो ओमेगा फाइंड हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2π n/60, हमें पता है, ये फाइंड कर लिया, तो डायरेक्ट ये 251 आ गया कुछ, ये ओमेगा मिल गया हमें 251। और ओमेगा पी क्या, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो किस एक्सिस के अबाउट, ये कोई एक्सिस मान लीजिए, ये इस तरफ इस तरह है, तो एक तरह से इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, ये इधर रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक तरह से इस तरह से बना लीजिए, तो ये राइट एंड थंब लगाएंगे तो ऊपर से देख रहे हैं, एक तरह से ये इधर से रोटेट हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी ओमेगा पी नहीं दे रखी है हमें, तो ओमेगा पी क्या हो जाएगी यहाँ पे, वी इज इक्वल टू ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, तो वी गिवन है, आर गिवन है, तो ये मिल गया हमें, तो जायरोस्कोपिक कपल फाइंड हो गया, ठीक है। सिमिलरली सेम न्यूमेरिकल शिप में भी इसी तरह से न्यूमेरिकल होते हैं। ओके, ये कुछ अलग चीज़ें नहीं है, ये सारी वही चीज़ें हैं, इसमें बस ये बता रखा है कि ये इस तरह से ऊपर नीचे उसकी लेट होती रहती है, तो इसको इसको बोलते हैं हम एक तरह से स्पिनिंग, स्पिनिंग बोल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी ये कहीं यूज नहीं होगी, इसको एक छोड़ सकते हैं, कुछ नहीं है, तो ठीक है। हाँ, ये न्यूमेरिकल पे आते हैं। द टर्बाइन रोटर शिप है एक, हैज मास ऑफ 8 टन। तो मास गिवन 8 टन, मतलब 1 टन में 1000 kg होता है, तो 8000 किलोग्राम। रेडियस ऑफ गायरेशन 0.6 मीटर, तो ये के की वैल्यू गिवन है। रोटेट्स 1800 RPM, तो ओमेगा गिवन है, एन गिवन है, तो ओमेगा फाइंड कर लेंगे। व्हेन लुकिंग फ्रॉम स्टर्न, स्टर्न मतलब पीछे से देख रहे होंगे। ओके, जैसे हमने बताया था ये क्या था, कहाँ है स्टर्न, ये रहा स्टर्न, मतलब रियर एंड, पीछे से देख रहे हैं। ओके, तो वो मैंने बताया था न्यूमेरिकल्स में आएंगे ये वर्ड्स। डिटरमाइन द गायरोस्कोपिक कपल, सी फाइंड करना है। इफ शिप ट्रेवल 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब वी गिवन है, एंड स्टी टू द लेफ्ट इन ए कर्व 75 मीटर रेडियस गिवन है। शिप है, उसका रोटर है जो कि रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। व्हेन लुकिंग फ्रॉम स्टर्न, अगर पीछे से देख रहे हैं तो ये इस तरफ मूव कर रहा है। ओके, अब देखिए, जब ये इस तरह से मूव कर रहा है, तो हमारा इधर राइट थंब रखेंगे तो इधर, तो ये फिंगर्स इस तरह से हो, कब होगी, जब हमारा थंब इधर होगा, तो एक तरह से हमारी ओमेगा की डायरेक्शन क्या आ गई, ठीक है, ये शिप है। ओके, ये आ गई हमारी ओमेगा की डायरेक्शन, क्योंकि हम पीछे से देख रहे हैं, तो
रोटर इस तरह से मूव कर रहा है, तो इसकी एक तरह से ओमेगा क्या हो गया, इधर हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि इसको स्टीर किया है, मतलब घुमाया है इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाया है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में कैसे घुमाएंगे, उधर की तरफ घुमाना पड़ेगा, तो इसको इधर घुमा दिया। अब अगर टॉप से देखेंगे ये शिप को, ये मान लीजिए शिप है, तो ऊपर से देख रहे हैं तो किधर घुमाया इसको, लेफ्ट साइड में इधर, ओके, तो ऐसे घुमाया, तो लेफ्ट घुमाया, तो मतलब इसको इधर घुमाना पड़ेगा इस एक्सिस के अबाउट, तो इधर राइट हैंड थंब लग जाएगा अपना, तो ये हो गया ओमेगा भी, ओके। अब देखिए ओमेगा को, ये अपनी ओमेगा हो गए, ठीक है, ओमेगा को ओमेगा पी की डायरेक्शन में रोटेट कर दो, तो ये ओमेगा है, तो ओमेगा पी हो गया इधर, ये हो गया इसका कपल, ये हो गया कपल, और ये हो गया रिएक्टिव कपल, इसके अपोजिट डायरेक्शन। तो रिएक्टिव कपल कैसे है, रिएक्टिव कपल है हमारा इस तरफ से, तो मतलब ऐसे लग रहा है, तो ये इसके ऊपर कैसे लगेगा साइड से देखेंगे तो ऐसे, तो इसका मतलब क्या इफेक्ट आया कि इसकी स्टर्न को ये डाउन करेगा और नोज को अप करेगा, ओके। तो यहाँ पे देखो देखो राइज द बो एंड लोअर द स्टर्न, ठीक है, तो ये इफेक्ट है, ये फाइंड करना था, कर दिया अपन ने, बाकी वही सारी चीज है, सी इक्वल टू आई ओमेगा पी फाइंड कर लिया, आई फाइंड कर लिया। तो देखिए क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करके पूछते हैं, हाफ पार्ट ये रहता है और हाफ पार्ट ये रहता है कि इसका इफेक्ट बताओ, तो ये इफेक्ट इस तरह से फाइंड करेंगे, बाकी फॉर्मूले वाली चीजें तो बड़े आसानी से हो ही जाएगी, तो न्यूमेरिकल बड़े आसान है, ये इकोनोमेरिकल है, देख लीजिए, ए हैवी टर्बाइन रोटर सी वेसल रोटेट्स दिस आरपीएम स्पीड, ये स्पीड गिवन है एन, तो ओमेगा मिल जाएगा यहाँ से, लुकिंग लुकिंग फ्रॉम द स्टर्न, पीछे से देख रहे थे, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो पीछे से देख रहे हैं, तो क्लॉकवाइज मतलब पीछे से इधर रोटेट कर रहा है, तो इधर रोटेट कर रहा है, तो भाई अगर इधर फिंगर्स को रखेंगे तो इधर थंब तो नहीं आएगा, तो थंब किधर आएगा, इधर, तो थम इधर आएगा, तो ये डायरेक्शन ऐसे रहेगी, है ना, तो ये ऐसे होगी, तो ये हो गया अपना ओमेगा, चलो ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि मास गिवन है, ठीक है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, और क्या दे रखा, डिटरमाइन द वेलोसिटी ओमेगा पी दे रखी है ये सब, और डिटरमाइन द जायरोस्कोपिक कपल ट्रांसमिटिंग व्हेन बो इज राइजिंग। हाँ, तो कपल की डायरेक्शन फाइंड करनी है जब बो इज राइजिंग, बो कब राइज होगी, जब ये ऊपर आएगा, ठीक है, तो बो मतलब ये आगे का इस तरह से होगा, ये राइज होगा और ये डाउन होगा, तो ये राइज और ये डाउन कब होगा, जब ये कुछ इस तरह से हो, है ना, यही होगा, तो हमारा फिंगर ऐसे हो तो डायरेक्शन ये होगी, है ना, यही होगी, क्योंकि राइट हैंड लगाएंगे तो ये फिंगर्स और ये अपना थंब, तो देखो अब ये इधर कब आएगा, जब इसको इधर रोटेट करेंगे, तो यानी इसको इधर रोटेट करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा एक्चुअली में ये सीधी लाइन नहीं है, ये थोड़ा सा इसको ऐसे आएगा, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है, तो ये इसको इफेक्ट को देखना, तो ये इस तरह से होना चाहिए, तो ये हो गया ऐसे, तो ऐसे होगा तो क्या होगा, ये राइज होगा और ये डाउन होगा, तो ये राइज होगा, ये डाउन होगा, तो इसकी वेलोसिटी, ये रिएक्टिव कपल इधर आना चाहिए, तो रिएक्टिव के लिए क्या होगा, एक्टिव कपल उधर जाना चाहिए, तो एक्टिव कपल कैसे होगा, ऐसे, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी ओमेगा
की डायरेक्शन ये होगी। इसको अगर जब हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, ओके, तो हमारा ये वाला इफेक्ट जनरेट होगा जो ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये पूछा है इसमें, ओके, तो ये हमने फाइंड कर दिया। तो आसान न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ होती नहीं है, आसानी से सोल्व कर लेंगे हम, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।